और चेंजिंग अर्थ। चेंजेस इन द अर्थ सरफेस कैन बी सीन इन द डिफरेंट फॉर्म्स लाइक माउंटेन्स, वॉल्केनोज, मशरूम रॉक्स, डेल्टा, सी आर्क, सैंड ड्यून्स एक्सेट्रा। द चेंजेस ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ इज ड्यू टू टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस, वन इज एंडोजेनिक एंड सेकेंड इज एक्सोजेनिक। एंडोजेनिक फोर्सेस, एंडोजेनिक फोर्सेस, इट रिफर्स टू द फोर्सेज दैट अकर बीनीथ द सर्फेस ऑफ अर्थ। इट मीन्स कि ये वो फोर्सेज हैं जो अर्थ के नीचे, अर्थ के अंदर काम करती हैं। डीप इनसाइड द अर्थ कोर हीट इज जनरेटेड, द हीट इज ट्रांसफर्ड अपवर्ड टू मेंटल कॉजिंग इट टू सर्कुलेट स्लोली। तो ये जो हीट है, वी रेड अप इन द प्रीवियस चैप्टर दैट द इनसाइड द अर्थ द टेम्परेचर इज 6000 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो हाई टेम्परेचर है ये कोर के अंदर है और कोर से ये हीट मेंटल में ट्रांसफर होती है और धीरे धीरे वो सर्क्यूलेट होती है हीट। द मूवमेंट ऑफ लावा अप्लाइज फोर्स ऑन लिथोस्फेरिक प्लेट्स। तो जो लावा है नीचे वो धीरे धीरे लिथोस्फेरिक प्लेट्स के ऊपर फोर्स करता है, फोर्स डालता है, और जिसकी वजह से ये प्लेट्स धीरे धीरे खिसकनी शुरू हो जाती हैं, शिफ्ट होनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन ये मूवमेंट बहुत ही स्लो होता है। इट मीन्स कि एक ईयर में सिर्फ कुछ ही मिलीमीटर तक ये शिफ्ट होती हैं और प्लेट्स के इस मूवमेंट को हम टेक्टोनिक एक्टिविटी या प्लेट टेक्टोनिक्स कहते हैं। देयर आर 20 लिथोस्फेरिक प्लेट्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, दीज आर कॉमनली नॉन एज टेक्टोनिक प्लेट्स। एंडोजेनिक फोर्स कॉजेज अर्थक्वेक, सुनामी, वॉल्केनो एंड चेंज इन द अर्थ लैंडस्केप। टेक्टोनिक प्लेट्स, द अर्थ क्रस्ट इज क्रैक्ड एंड द पीसेज ऑफ अर्थ क्रस्ट फॉर्म्ड बाय द क्रैक्स आर कॉल्ड टेक्टोनिक प्लेट्स। दीज प्लेट्स आर कॉन्टिन्यूली मूविंग एंड दिस मूवमेंट हेल्प टू फॉर्म वॉल्केनोज। सो इन दिस पिक्चर यू कैन से डिफरेंट टेक्टोनिक प्लेट्स। अर्थक्वेक, एन अर्थक्वेक इज सडन ट्रेमर और द मूवमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट विच ऑरिजिनेट्स नेचुरली एट और बिलो द सर्फेस। अर्थक्वेक अचानक से आने वाला, अर्थ क्रस्ट के अंदर अचानक से आने वाला वो मूवमेंट है जो अर्थ के ऊपर या नीचे हमें, हम उसको फील कर सकते हैं। व्हाट कॉजेज अर्थक्वेक, सडन मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। अर्थ सर्फेस इज सब्जेक्टेड टू एंडोजेनिक फोर्सेज अकरिंग फ्रॉम बीनीथ द अर्थ सर्फेस। कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स के अंदर सडन मूवमेंट है उसकी वजह से अर्थक्वेक आते हैं। और ये टेक्टोनिक प्लेट्स में मूवमेंट क्यों होता है, क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि अर्थ के नीचे कुछ ऐसी फोर्सेस हैं जो इन प्लेट्स को मूव करती हैं, हिलाती हैं। दीज फोर्सेस मेक्स द प्लेट्स मूव एट अ वेरी स्लो स्पीड। हाउएवर अ सडन मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स ट्रिगर एंड अर्थक्वेक। सिस्मोमीटर और सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड्स अर्थ मूवमेंट। तो देयर इज एन इंस्ट्रूमेंट बाय विच वी कैन मेजर द अर्थक्वेक, दैट इज सिस्मोग्राफ। अर्थक्वेक फोकस एंड एम्पीसेंटर, इट इज द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक। इट मीन्स कि फोकस वो जगह है जहाँ पर अर्थक्वेक शुरू होता है। सडन मूवमेंट अकर डीप बिलो द क्रस्ट और मेंटल कॉजिंग टेक्टोनिक प्लेट्स टू मूव वाइगरसली। कंसेंट्रिक शॉक वेव जनरेटेड फ्रॉम दिस पॉइंट डिटरमाइंस द एक्सटेंट ऑफ डैमेज कॉज्ड। सिंस द फोकस पॉइंट इज ऑफन बिलो द सर्फेस इट इज़ डिफिकल्ट टू मैप। तो फोकस वो एरिया है जहाँ से हमारा अर्थक्वेक स्टार्ट होता है और उसके ऊपर जो अर्थ क्रस्ट होती है उसके बिल्कुल ऊपर जो पॉइंट होता है उसे हम एपी सेंटर कहते हैं। और एपी सेंटर से ही हमारी ये जो अर्थक्वेक वेव्स हैं ये डिफरेंट डायरेक्शंस में फैलती हैं। और जितनी ज़्यादा हम एपी सेंटर के पास होते हैं नुकसान उतना ही ज़्यादा होता है, और जितना हम दूर होते हैं उस मोमेंट को हम उतना कम फील कर पाते हैं। तो इट मीन्स सबसे ज़्यादा जो डैमेज, सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो एपी सेंटर के पास होता है। इट इज़ द पॉइंट ऑन द अर्थ सर्फेस विच इज़ डायरेक्टली अबव द फोकस।
It is most commonly used to describe the point of concentration of the earthquake. The strength and magnitude of an earthquake is measured on the Richter scale. An earthquake whose measurement is above 7 on the Richter scale can cause major damages. Earthquakes are now measured using the moment magnitude scale. These measure the size of the seismic wave during the earthquake. Tsunami. When the epicenter of earthquake is in seabed, it causes huge tidal waves which could have devastating effect on seashore. Such phenomena is known as tsunami. तो जब earthquake का epicenter समुंदर के नीचे होता है, उसकी वजह से जो बहुत सारा पानी जो है वो बहुत बड़ी बड़ी waves आती हैं, जिसकी वजह से समुंदर के आसपास के areas को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और इस फिनोमिना को नाम दिया जाता है सुनामी. यू कैन सी द पिक्चर, सीबेड, एपिसेंटर एंड सुनामी. वॉल्केनो. अ वॉल्केनो इज एन ओपनिंग इन अ प्लैनेट सरफेस विच अलाउज हॉट मोल्टन रॉक ऐश एंड द गैसेस टू एस्केप फ्रॉम बिलो द सरफेस. वॉल्केनोज आर मोस्ट कॉमनली फाउंड अलॉन्ग प्लेट बाउंड्रीज. तो वॉल्केनो जो है वो किसी भी प्लैनेट के सरफेस में एक वो खुली हुई जगह या वो छेद है जहाँ से गरम गरम पिघली हुई रॉक्स, राख या गैसेस जो हैं वो ज़मीन के नीचे से ऊपर सरफेस तक पहुँच जाती हैं. और वॉल्केनोज जो हैं वो मेनली प्लेट्स की बाउंड्रीज के पास बनते हैं. Change on the earth's surface, mountain ranges and trenches. Slow movement of lithospheric plates cause change on the earth's surface. Collision of plates. Collision means किसी भी चीज़ का, दो चीज़ों का बहुत तेज़ी से, बहुत ज़्यादा violently आपस में टकराना. तो जब ये tectonic plates आपस में टकराती हैं तो mountains बनते हैं. और ट्रेंचेस ऑन द ओशन फ्लोर. ट्रेंचेस का मतलब क्या होता है? बहुत गहरे गहरे खड्डे बन जाना. सो यू कैन सी द पिक्चर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन. सो लेट समराइज एंडोजेनिक फोर्सेस. इट अकर्स बीनीथ द सरफेस ऑफ अर्थ, कि ये अर्थ के सरफेस के नीचे काम करती हैं. It causes natural devastation and physical change in the earth's surface like earthquake, volcanoes and formation of mountains or valley. और इनकी वजह से अर्थ के सरफेस में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं और कई बार बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है, जैसे कि earthquake, volcanoes, mountains और valleys का बनना.